सबसे पहले मैं लंबाई देख लेती हूँ, तो लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे, देखिए ये बैक साइड का पार्ट्स है, तो 18 इंच की इसकी लंबाई ले रही हूँ। यहाँ से मैं लूंगी इसको 6.5 इंच का, ये हो गया 6.5 इंच, और इस तरफ से भी 6.5 इंच ले लेंगे। आधा इंच हमारा सीम में चला जाएगा। यहां से हम लेंगे 11 इंच पे और उसके बाद में थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे 1 इंच का लगभग। टोटल हो गया कितना, ये 12.5 इंच। तो यहां से भी हम 12.5 इंच पे पॉइंट लगा करके और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हो गया बेक पल्ला और यहाँ पे हम इसको नेक कटिंग करेंगे। बेक के लिए नेक कटिंग करेंगे 3.5 इंच का और आगे के लिए नेक कटिंग करेंगे 3 इंच की चौड़ाई का। तो बेक का नेक मैं रख रही हूँ 8 इंच का, क्योंकि 1/2 इंच है ना हुक और आई की पट्टी में चला जाएगा। तो ये मैं बेक का यहाँ पे नेक रख लेती हूँ। ये हो गया बेक का नेक, यहाँ पे हुक और आई की पट्टी आ जाएगी, ठीक है, और नीचे से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो ये तो कटिंग हो गया बेक पार्ट्स, अब हम आगे का पार्ट्स इसी से कटिंग करेंगे। जो बच्चा वो फैब्रिक है इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, देख सकते हो खूब सारा लंबा है, अभी भी इसकी बहुत अच्छे से लंबाई जो है ना वो हो जाएगी कम्प्लीटली। तो हुक और आई की पट्टी वाला थोड़ा सा हम इसको छोड़ देंगे, नीचे से भी हम लगभग 1 से 1.5 इंच इसमें लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे, वो जो टक्स लगाएंगे ना उसके लिए। और अब इसके बराबर हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये जो है ना, अभी आप देख लीजिए, ये जो हुक और आई के लिए ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। ठीक है, यहां से हम आगे का नेक कटिंग करेंगे 6 इंच पे। ये हो गया हमारा आगे का नेक, तो अब देखिए यहाँ पे हम 5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये 5 इंच पे एक मैंने पॉइंट लगा दिया है, इसको हम यहाँ पे ऐसे सीधा करेंगे। 4.5 पे भी लगा सकते हैं आगे में, और फिर 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, टोटल हो गया 2.5 इंच का एक पॉइंट लगा देंगे। Thank you.
और इस पॉइंट को हम ऐसे सेंटर पे मिला देंगे। सेंटर थोड़ा हम इस तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर पे मिला देंगे और इस पॉइंट को भी हम यहाँ भी सेंटर पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और अब हम इसको यहां से इस पॉइंट्स में मिला देंगे और इसको हम यहां से इस पॉइंट में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा ऐसे टक्स आ जाएगा, तो इसके लिए हम इसको कट कर देते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे निकाल दिया है। अब हम इसको ऐसे सील देंगे तो ये बिल्कुल से सीधा हो जाएगा। तो ये दो टक्स लगाएंगे, ये बिल्कुल इसके बराबर में हम लाइनिंग का पार्ट्स कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल बराबर में रख लिया है और लाइनिंग का पार्ट्स भी फोल्डेड है, कटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। और सेम उतना ही बैक साइड भी कटिंग कर लेंगे जो हमने कटिंग किया है। आगे का पार्ट्स कटिंग हो गया, जैसे इसकी ऐसी सिलाई होगी तो ये बहुत ही बढ़िया सा पफ भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने बैक पार्ट्स भी रख लिया है और दोनों साइड ओपन है। तो यहाँ पे हम कोराई की पट्टी लगा लेंगे और यहाँ पे हम दो टक्स लगा देंगे और बैक साइड हमारा कम्प्लीट हो जाएगा नेकलाइन तैयार करते ही। तो ये पार्ट्स हम पहले इसको स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो नीचे वाला जो स्कर्ट है उसके अंदर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, बिल्कुल बराबर में कटिंग करना है और इसके अंदर हमें ये वाली टक्स लगानी है। ये देखिए, ये वाली जो बीच की टक्स है ना, वो ये वाली टक्स लगानी है और फिर हमें नेक तैयार करना है सीधा ही। और इसके अंदर हमें बैक साइड की जो दो टक्स होती है हमारे ब्लाउज में लगाते हैं वो लगाएंगे और नेक तैयार करेंगे और हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। बस इतना ही है, इसके अंदर बराबर में कटिंग करके फिर उसको तैयार कर लें, उसके बाद में हम नीचे के पार्ट्स में जॉइंट करके फिर बाजू लगा लेंगे। ये कटिंग हो गया है, अब हम एक पार्ट्स को ऐसे स्टिच करेंगे। तो एक सिलाई हम ये लगाएंगे यहाँ पे और फिर एक सिलाई हम ये वाली लगा देंगे और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। बीच में हम ये वाली पट्टी लगा देते हैं यहाँ पे, इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे और इसके बीच में यहाँ पे रख देंगे और फिर हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये वाली एक सिलाई हम लगा देते हैं, ये इस तरफ में और ये इस तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे मैंने इसके कट भी लगा दिए हैं, तो नेक को पलटने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ये हमारी हुक और आई की जो पट्टी होती है ना, वो एक साथ में ही अटैच हो जाती है। इसको हम इसी तरह से नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे, एक को हम बाहर रखेंगे, एक को हम अंदर ही रहने देंगे। तो ये बैक साइड की जो है ना, इस तरह से बैक पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं, देख सकते हैं आप, हमने मैंने ना बैक साइड पार्ट्स तैयार कर लिया है दोनों को। ये हुक और आई की पट्टी भी साथ में ही हो गई है, ये हुक की है और ये आई की है, लग गया है और नेकलाइन को सीधा ही फोल्ड कर दिया है और ये दोनों डार्ट्स भी लगा लिया है। तो बैक साइड जो पार्ट है वो कम्प्लीट हो गया, तो आगे का तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ कुछ भी नहीं है, आगे की वो टक्स लगानी है। आगे का पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नेकलाइन को स्टिच कर लिया है, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसको कट लगा लीजिएगा आप यहाँ पे नेकलाइन पे ना, हल्के हल्के कट लगा के
फिर इसको अच्छे से फोल्ड किया जा सकता है। क्योंकि ये थोड़ी राउंड में बनी हुई है तो मैं इस पे थोड़े कट लगा देती हूँ ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो ये जो नेक है वो बन गया है। अब हमें ये वाली स्टिचिंग लेनी है, तो पहले इसको कच्चा स्टिच करके फिर ये वाली आपको ऐसे एक स्टिचिंग लेनी है। एक स्टिचिंग इस तरफ हो जाएगी और दूसरी जो स्टिचिंग है ना वो हमारी इस तरफ हो जाएगी। ये वाले डार्ट है ना, इसको हम इस तरह से एक स्टिचिंग लगा देंगे। तो दोनों सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक हमारा तैयार हो चुका है। आगे का जो पार्ट्स है ना वो तैयार कर लिया है दोनों टक्स लगा करके। और अब हम इसके शोल्डर के अंदर है ना बैक साइड के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, शोल्डर्स को ऐसे इसके ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है ना, और एक पार्ट्स को और एक बैक को आपको इस तरह से बैक की साइड में लेना है। शोल्डर को ऐसे बीच में रख लेना है, फिर एक सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होता है, सिलाई जो है ना आपके अंडर पिकिंग सिलाई हो जाएगी। देखिए ऊपर की साइड में ये जो ये वाला है ना हमारा ये वाला पार्ट्स है, इसकी साइड में इसके साइड में ये साइड रखेंगे ऐसे, और नीचे की साइड में ये देखिए लाइनिंग के साथ में लाइनिंग का होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों अटैच करके एक सिलाई निकाल देते हैं। तो बीच में रख लिया है आगे का पार्ट्स, सिलने के बाद एक सिलाई और ये देखिए ये इस तरह से निकल जाएगा। तो बैक साइड का बैक में हो गया है, आगे का आगे में हो गया है। तो ये इस तरह से आपके जो शोल्डर है ना वो जॉइंट हो जाते हैं एकदम से, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से मैं दूसरे शोल्डर भी जॉइंट कर लेती हूँ। तो बाजू की कटिंग और सिलाई भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ साथ में, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स इसको मैं कट करके निकाल देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हम अपना जो है वो बराबर कर लेते हैं। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा बैक साइड है, देखिए दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर में हैं। टक्स लगाने के बाद आगे और पीछे की साइड में, अब हम इसके अंदर है ना स्लीव जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद में ये वाली सीधी सिलाई निकालेंगे स्लीव के साथ में। ये देखिए ये हमारी स्लीव है, तो इस स्लीव को मैं इस तरफ जॉइंट करूंगी, सॉरी ये आगे की साइड है, तो इसको हम इस तरफ जॉइंट करेंगे। इस स्लीव को हम इस तरफ जॉइंट करेंगे और इस स्लीव को हम इस तरफ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो दोनों स्लीव जॉइंट कर लेते हैं, फिर ये वाली सीधी सिलाई निकालेंगे। देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली यहां से स्लीव से लेकर के नीचे तक की। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी सीधी सिलाई निकाल ली है और अब ये ऊपर का टॉप पार्ट यानी ब्लाउज तैयार है। इसी तरह से दूसरी इस तरफ की सीधी सिलाई भी निकाल लेते हैं। अब आपको इसे ब्लाउज रखना है तो आप नीचे पट्टी जॉइंट करके और उसको फोल्ड कर लें और बैक ओपन, ये आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा 44 साइज के लिए। अगर आप इसे किसी गाउन में और या पार्टी वियर ड्रेस में अटैच कर रहे हैं तो आप नीचे के जो अम्ब्रेला कट लहंगा होता है, घेर होता है, उसके अंदर आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अम्ब्रेला कट लहंगा जो है ना अनारकली, वो जो कटिंग किया हुआ है, स्टिच किया हुआ है लाइनिंग के साथ में, तो मैं इसको इसके अंदर डाल करके और एक सिलाई लगा देती हूँ, इसको टॉप पार्ट्स को जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ड्रेस है ना वो बन जाती है। ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, कैसे उसको अटैच करते हैं, और सिर्फ दो टक्स वाला जो होते हैं ना आगे वाले, दो टक्स लगा करके हमने इसको तैयार किया, बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है। और मैंने इसको थोड़ा सा लूज रखा है, आप पूरा परफेक्ट फिटिंग चाहे तो वो थोड़ी सी और सिलाई लगा करके एकदम फिट बना सकते हैं। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं और आप देख सकते हो एकदम सिंपल तरीका है। लाइनिंग के लिए मैंने प्रिंटेड सूती कपड़ा यूज किया था और ये देखिए हमारा ब्लाउज कितना खूबसूरत सा बन चुका है, स्टिच हो।
हमारी आज की वीडियो, आज की ट्यूटोरियल ब्लाउज की आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू।